मंच पर उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, अर्जुन मेघवाल जी, गजेंद्र शेखावत जी, कैलाश चौधरी जी, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वीरों की धरती राजस्थान को मेरा कोटि कोटि नमन। ये धरती बार बार जो विकास से समर्पित लोग हैं उनकी प्रतीक्षा करती है, बुलावा भी भेजती है और मैं देश की ओर से विकास की नई नई सौगात इस वीर धरा को उसके चरणों में समर्पित करने के लिए निरंतर प्रयास करता हूँ। आज यहाँ बीकानेर और राजस्थान के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। राजस्थान को कुछ ही महीने के भीतर में 2-2 आधुनिक 6-लेन एक्सप्रेसवे मिले हैं। फरवरी महीने में मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर की उसके दिल्ली दौसा लालचोट सेक्शन का लोकार्पण किया था और आज यहाँ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के 500 किलोमीटर सेक्शन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिल रहा है। यानी एक तरह से एक्सप्रेसवे के मामले में राजस्थान ने डबल सेंचुरी मार दी है। साथियों, आज रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में राजस्थान को आगे ले जाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का भी लोकार्पण हुआ है। बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का काम भी पूरा हो गया है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए बीकानेर और राजस्थान के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, कोई भी राज्य विकास की दौड़ में आगे तब निकलता है जब उसके सामर्थ्य की, उसकी संभावनाओं की सही पहचान की जाए। राजस्थान तो अपार सामर्थ्य और संभावनाओं का केंद्र रहा है। राजस्थान में विकास की तेज रफ्तार भरने की ताकत है, इसलिए हम यहाँ रिकॉर्ड निवेश कर रहे हैं। राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावना है, इसलिए हम यहाँ कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईटेक बना रहे हैं। तेज रफ्तार एक्सप्रेसवे और रेलवे से पूरे राजस्थान में पर्यटन से जुड़े अवसरों का भी विस्तार होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यहाँ के युवाओं को होगा, राजस्थान के बेटे बेटियों को होगा। साथियों, आज जिस ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हुआ है, ये कॉरिडोर राजस्थान को हरियाणा, पंजाब, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जोड़ेगा। जामनगर और कंडला जैसे बड़े कॉमर्शियल सी पोर्ट भी इसके जरिए राजस्थान और बीकानेर से सीधे जुड़ जाएंगे। एक तरफ जहां बीकानेर से अमृतसर और जोधपुर की दूरी कम हो जाएगी, तो वहीं जोधपुर से जालौर और गुजरात की दूरी भी घट जाएगी। इसका लाभ इस पूरे क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों को बड़े पैमाने पर मिलेगा। यानी एक तरह से ये एक्सप्रेसवे पूरे पश्चिमी भारत को उसके औद्योगिक गतिविधियों को नई ताकत देगा। खासकर देश की ऑयल फील्ड रिफाइनरीज के जरिए जुड़ेगी, सप्लाई चेन्स मजबूत होगी और देश को एक आर्थिक रफ्तार मिलेगी। साथियों, आज यहाँ बीकानेर रतनगढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का काम भी प्रारंभ हुआ है। हमने राजस्थान में रेलवे के विकास को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है। 2004 से 2014 के बीच राजस्थान को रेलवे के लिए हर साल औसतन
1000 करोड़ रुपए से भी कम मिले थे, जबकि हमारी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए हर साल औसतन करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आज यहां तेज रफ्तार से नई रेल लाइनें बिछ रही हैं, रेलवे ट्रैक्स का तेजी से विद्युतीकरण हो रहा है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का सबसे ज्यादा फायदा छोटे व्यापारियों और कुटीर उद्योगों को मिलता है। बीकानेर तो अचार, पापड़, नमकीन और ऐसे तमाम उत्पादों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। कनेक्टिविटी और अच्छी होगी तो यहाँ के कुटीर उद्योग कम लागत में अपना माल देश के कोने कोने तक पहुंचा पाएंगे। देशवासियों को भी बीकानेर के स्वादिष्ट उत्पादों का आनंद ज्यादा आसानी से मिल पाएगा। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। हमने सीमांत गांवों को देश का पहला गांव घोषित किया है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। साथियों, हमारे राजस्थान को सालासर बालाजी और करणी माता ने इतना कुछ दिया है, इसलिए तो विकास के मामले में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है, पूरी ताकत झोंक रही है। मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर राजस्थान के विकास को और भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।